और आधुनिक स्थिति भी उस ढंग की है। सविता, अग्नि, आदित्य इत्यादि जड़ पदार्थ हैं, इनकी उपासना क्यों? सविता सूर्य है, मैंने एक दिन कहा था, सविता जो अभी उदय नहीं हुआ है वह सूर्य। शंकराचार्य जी ने अपना मत व्यक्त किया, उदयभावी पूर्व सविता है और उदयास्त तक सूरज है। तो सविता सूर्य है, अग्नि जड़ है और सूर्य भी जड़ है, सविता भी जड़ है, तो क्यों उपासना उसकी करते हैं? हम इस ईसा की 21वीं शताब्दी में बैठे हैं ना, और ये जब उपासना की गई थी उसके लिए कह पाना भी मुश्किल है कि कौन समय रहा होगा। जो अत्यंत तार्किक हैं वे भी मानते हैं कि ईसा के 1500 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हो गई है, और कई लोग तो 5000, 8000, 40000, 60000 वर्ष पूर्व मानते हैं, और जो भावुक लोग हैं उसको तो अनादि मानते हैं, वेदनादि है। लेकिन ये निर्विवाद है कि सभ्यता के उषा काल में वेद बने हैं, जब पूरी दुनिया घोर अंधकार में सो रही थी, तब भारतवर्ष में ऋषिजन इतने उत्तम छंदों में गृहस्थी व्यवहार, युद्ध, कला, ज्ञान, समाज व्यवस्था, देवी देवता, दार्शनिक विचार, आत्म विचार भी, ये सब इतने सुंदर छंदों में उन्होंने कहा है जिसका जोड़ा पूरी दुनिया में नहीं। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देव कहा। घोर अंधकार में हम बैठे हैं और इतने में सूरज उगने लगा, प्रकाश हो गया, और उसके उगते ही पूरा पूरा सब दिखाई देने लग गया, तो इससे बड़ा देवता और कौन हो गए? हवा जब चलती है झकझोर देती है, इससे बड़ा देवता कौन हो गए? आग जब लगती है तो सब कुछ को काला काला कर देती है। वेद पढ़िए आप तो उसमें बात आती है, आग के समान कौन देवता हो गए? इस प्रकार भाव कवि उनकी उपासना में लग गए थे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर विचार होता गया और जड़ उपासना से हट करके आत्मचिंतन की तरफ ऋषिगण आए। इसीलिए वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंतिम भाग आत्मज्ञान, जिसमें उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ब्रह्म। पहले आग को ब्रह्म कहा गया था, ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, बढ़ने से वो ब्रह्म है, आग को जलाओ बढ़ जाती है, अथवा आग बड़ी है जलाती है प्रकाश करती है, इसलिए ब्रह्म। और उसमें जो हवन करते हैं वो ब्राह्मण, कोई भी करे वही ब्राह्मण, और जिन मंत्रों द्वारा हवन किया जाए वो मंत्र ब्रह्म, इसलिए वेद मंत्रों को ब्रह्म कहा गया। तो वेदांत माना गया आत्मज्ञान, चेतन की उपासना शुरू हो गई। बहुत पीछे बौद्धों और जैनों का प्रचार हुआ, तो महात्मा बुद्ध के निधन के 500-700 वर्ष बाद मूर्ति स्थापित हो गई और बड़े धूमधाम से बौद्ध मूर्ति पूजा होने लगी, जैनों में भी होने लगी।
उसकी देखा देखी वैदिक परंपरा में भी मूर्त पूजा आने लगी। पहले तो ऐसी मूर्त पूजा नहीं आई, वे लोग मूर्त पूजते थे तो मंदिर बनाने लगे तो उसमें पुजारी रखने लगे, तो पुजारी और लोग होते थे, किसी किसी ब्राह्मण को नियुक्त करने लगे पुजारी, बुद्ध की पूजा में, महावीर की पूजा में। तो उस ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मण घृणित दृष्टि से देखते थे और उनको देवलक कहते थे। अगर कोई ब्रह्म मंडली इकट्ठी है और वहाँ ऐसा ब्राह्मण आया है जो मूर्त पूजता है किसी मंदिर में, तो उसको लोग कहते देवलक है, घृणित है, उसको अच्छा नहीं मानते थे। आर्यों में मूर्त पूजा बिल्कुल ही नहीं थी, लिंग पूजा आदिवासियों में थी और उनके लिए आर्यों ने घृणा की है। शिष्ण देवा, शिष्ण को देवता मानने वाले अभागे, नक बैठे, कर्कश भाषा बोलने वाले, ये अथर्ववेद में आता है। तो आदिवासी लोग लिंग पूछते थे, लेकिन आर्यों ने वहाँ से लड़कियाँ ली। इतनी जात पात की बात वहाँ नहीं थी, न छुआछूत थी, चारों वेदों में छुआछूत कहीं नहीं है। अंतरजाति खूब चलती थी शादी, जितने ऋषि थे सब कर्म करते, गाड़ी बनाते थे, दवाई कूटते थे, हल चलाते थे, धान काटते थे, फसल काटते थे, सब कुछ करते थे। वेद पढ़िए, वेद क्या कहते हैं। अभी आज दिल्ली से एक फोन आया एक जगतगुरु का, मेरा वेद पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मूल वेद मुझे बताइए कहाँ मिलेगा। तो मैंने पता उनको बता दिया कि अमुक जगह से उसी दिल्ली में मिल जाएगा। वो खुश हैं, पढ़ रहे हैं उसको। तो वेदों के मंत्रों के रचयिता बड़े उदार हैं। विवाह शादी सब अंतर जाति चलती थी, अंतर जाति क्या, विशेष जाति पात मानते ही नहीं थे, वर्ग था, जैसे अंग्रेजों को गर्व था अपने गोरे होने का, इसी प्रकार आर्यों को गर्व था अपना गर्वीला स्वभाव, लेकिन छुआछूत नहीं मानते थे। आदिवासियों की लड़कियां लेते थे, तो आदिवासी की लड़की आई, अपने पिटारी में लिंग भी रखे हैं पत्थर की, क्योंकि उसके नैहर में पूजा जाता है, तो यहाँ भी रख करके पूजने लगी। पति ने कहा भाई ये तो हमारे यहाँ नहीं चलता है, फेंको इसको, बहुत कड़ा है, फेंकवा दिया, नरम है, तो इतने कह के रख गया कि ये तो हमारे यहाँ नहीं चलता था, तुम क्या नई चीज़ लाई हो। लेकिन वो पूजती रही, वो चुप रहा, अथवा उसने पेटी में रख दिया। एक दो पीढ़ी बीत गई, पेटी में से निकली वो चीज़, समझे कि हमारे यहाँ पूजा जाता था, पूजना शुरू हो गया। पूछते पूछते लिंग पूजा इतनी हो गई कि काशी विद्वानों की नगरी में लिंग पूजा ही श्रेष्ठ है, विश्वेश्वरनाथ। लेकिन इतना असर अवश्य है कि ब्राह्मण शिवलिंगी पर चढ़ी हुई किसी भी वस्तु को खाता नहीं। मेरे जमाने में तो था, तो अब पता नहीं। मेरे जमाने में था कि ब्राह्मण अंडा मांस कम से कम इस तरफ के नहीं खाते थे, लेकिन अब तो सुनता हूँ बड़े धड़ल्ले से खा रहे हैं, बड़े मौज से। तो बढ़ रहा है विकार। तो लिंग पर चढ़ा हुआ कोई प्रसाद ब्राह्मण नहीं खाता था, परंतु केवल लिंग ही नहीं रह गई, उसको शिवलिंगी कहा गया। उसके पश्चात फिर मूर्तियाँ बनने लगी, बुद्ध महावीर की मूर्तियाँ थी, शिव की मूर्ति बहुत पुरानी तविश बनने लगी, वासुदेव कृष्ण की बनी, राम की मूर्ति भी आज से 800 वर्ष पूर्व बनने लगी, उसके पहले नहीं थे। फिर मूर्ति पूजा खूब धड़ल्ले के साथ हिंदू समाज में चलने लगा।
तो ये सब तो चलता रहता है। अब आप स्वयं सोचिए आपको क्या करना है। मूर्त चित्र स्मारक हैं, महापुरुषों के स्मारक हैं, और उन्हें देख करके मन प्रसन्न होता है, बस इतना काफ़ी है। देखो कबीर साहब चित्र पीछे लगा है, हम लोग न नमस्कार करते हैं, न उसकी आरती उतारते हैं, न फूल चढ़ाते हैं, न भोग लगाते, कुछ नहीं, केवल स्मारक है। आरती वरती गुरु संत करने का रस्म है संप्रदाय में, व्यक्तिगत तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आरती हो, लेकिन पंथ से बधा हूँ इसलिए लोग करते हैं, तो मजबूर होकर सह लेता हूँ। अपने गुरु संतों की मैं आरती करता रहा, तो दुर्भाग्य है कि हमारे न गुरु रहे, न गुरु तुल्य उस उम्र के और उस योग्यता के संत रहे जिनकी मैं आरती कर सकूं। और काल चक्र है ही, वो तो सब होने हैं, सबका होना है। तो चित्र मूर्ति स्मारक है, अब पूजा बढ़ जाती है, आदमी पूजा की भावना वाला होता है। अपने को देखो, अपने को समझो, किसी महापुरुष के चित्र मूर्ति हैं, आदर से रखो, गंदा ना होने दो, असभ्यता का बर्ताव उससे न करो कि चित्र टंगा है उसके ऊपर कुर्ता टांग दे। किसी महापुरुष की मूर्ति है, जिस आसन पर उसी आसन पर कुआं पर गए स्नान कर दे वहाँ साबुन रख दे, बहुत गलत है। मर्यादा रखो, स्वयं न पूजो, चेतन पूजो, चेतन का बोध रखो। आर्य परंपरा मूर्ति पूजा से बिल्कुल अलग थी, न लिंग पूजा थी न मूर्ति पूजा थी, प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके वे उपासना करते थे, उसके नाम पर हवन करते थे। आगे चल करके उसमें भी परिवर्तन हुआ और आत्मज्ञानी हो गए। आप आत्मज्ञानी बने, इसके विषय में इतना समाधान काफी है। स्वभाव सुधार, मोह का त्याग, ये दो बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। स्वभाव सुधार को लेकर के जहाँ कहा जाता है, वहाँ स्वभाव एक सीमा तक है, बिल्कुल स्वभाव नहीं उसको कह सकते। जैसे आग का स्वभाव गर्म रहना है, वो कभी नहीं सुधर सकता है। आग है तो गर्मी होगी, गर्मी है तो आग मानी जाएगी, ठंडी है तो आग कहाँ मानी जाएगी, ये स्वभाव है। पानी है तो शीतलता है, अगर पानी गर्म कर दिया गया है तो आग का अंश है। गर्म पानी भी आग पर पड़ेगा तो आग बुझ जाएगी, इसलिए जिसको हम गर्म पानी कहते हैं वो भी मौलिक रूप में शीतल है। तो आग गर्म है, ये उसका स्वभाव है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन जो हम लोगों का स्वभाव है ये उस ढंग से नहीं है, ये बदल सकता है, और यही बदलना ही तो जीवन है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, ये रघुनाथ दास जी महाराज की वाणी है। अयोध्या के रघुनाथ छावनी, बड़ी छावनी जिसे कहते हैं, उसके प्रतिष्ठाता, बहुत योग्य थे। विश्राम सागर उनकी पुस्तक है, रामायण कृष्णायन इतिहासायन तीन खंड हैं, मैं इसको पढ़ा हूँ, उसी में साहित्य है पंक्ति, वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वह है जो अपने स्वभाव को जीत ले। स्वभाव सब में अलग अलग होते हैं, किसी में कामाशक्ति बहुत होती, काम लोलुपता, किसी में थोड़े थोड़े में चिड़चिड़ाहट आ जाती, क्रोध आ जाता है, किसी में लोभ की प्रवृत्ति बहुत होती है, कोई अहंकार, बहुत अहंकारी होता है, कोई मोही स्वभाव का बहुत होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैं स्वयं देखा हूँ, जब मेरी उम्र 15 की रही होगी तो 50 के रहे होंगे, पढ़े लिखे नहीं थे,
कोई सत्संग नहीं, किसी से मतलब नहीं। खेत में जब काम करने जाएं तो एक तरफ से और लोग काम करें तो दूसरे तरफ से वो करें, एक साथ नहीं। अपना बिस्तर किसी के खाट पर नहीं रखते थे, रखना हो तो छप्पर पर रखते थे, क्योंकि खाट अशुद्ध रहता है, लोग पता नहीं कैसे कैसे बैठते। बचपन में उनकी शादी हो गई थी, अब जवानी में तो गौन आया, लेकिन पत्नी के पास नहीं गए। बड़ी कोशिश के बाद पत्नी ने घर सफाई की, खाट सफाई की, बिस्तर सफाई की, बहुत कोशिश के बाद वो एक रात गए, और संयोग से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, एक बच्चा हुआ। अब तो अगर जीवित होगा तो 80 का होगा। उनको मैं देखा हूँ, बोली नहीं सुना हूँ, शांत रहते थे, काम लोलुपता उनमें नहीं थी, बोध वोध कुछ नहीं था, स्वभाव ही था उनका ऐसा। ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ जिनमें क्रोध नाम की चीज़ें नहीं। जब कोई गाली दे उनको, कदाचित गाली दे तो कह, अरे भैया काहे गिरी आओ, तो भैया काहे गिरी आओ, तो गाली देने वाला बेचारा ठंडा हो जाए। ऐसा चांस मैंने देखा था कि उनका पशु किसी के खेत में पड़ गया, चरने लगा, वो गाली देते हैं, तो कहे भैया हो क्यों गाली देते हो भैया, वो ठंडा हो जाए। क्रोध करते कभी उनको देखा ही नहीं, वो भी अनपढ़ गंवार थे, कोई बोध विचार नहीं, लेकिन क्रोध स्वाभाविक ही उनमें नहीं था। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत साधारण तंग हालत में चलते थे, गुजर बसर होता था, लेकिन जब किसी कुछ देते थे तो ये होश नहीं रखते थे कि मेरा क्या होगा, उठा के दे दिए बस, इतने निर्लोभी, और कोई बोधवान नहीं थे। ऐसे अनेकों को मैंने देखा है कि वह न पढ़े थे, न ज्ञान था, न सत्संगी थे, लेकिन कई भयंकर दोष से जो दूसरे ज्ञानी तक पीड़ित रहते हैं वे उससे पीड़ित नहीं थे। और ऐसे भी देखे ही जाते हैं कि जो धनिष्ठ धनी है, महालोभी हैं, ज्ञानी हैं, क्रोध आ जाता है बहुत, समझते बूझते हैं मोह में पीड़ित हैं, सब समझ रहे हैं लेकिन पीड़ित रहते हैं। तो ये स्वभाव है, स्वभावगत हो गया है, दोष स्वभावगत हो गया है। लेकिन ये समझ ले इसके साथ साथ कि आग में गर्मी का स्वभाव जैसा है वैसा ये नहीं है, ये मिटाया जा सकता है, संयमित किया जा सकता है, घटाते घटाते ऐसे स्तर तक लाया जा सकता है जब वो विघ्न न करे, तकलीफ न दे। और यही काम करना हमारा आपका कर्तव्य है। ये नहीं कर पाएंगे तो साधना जो आप करते हैं अच्छा है, उसका फल अच्छा ही है, आप भक्त हैं या साधु हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी, ये जीतना पड़ेगा, अवंत में मरना पड़ेगा पूरा। अगर पूरी शांति चाहते हो, सब समय परमानंद, कैवल्य कैवल्य कैवल्य, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण निगम आगम बद, ये गोस्वामी जी मानस में कहते हैं। कैवल्य परम पद अत्यंत दुर्लभ है, वेद पुराण निगम आगम सब कहते हैं। वो कहीं पहले तो पढ़ता था तो समझता था कि कोई भवन वन होगा आकाश में स्वर्ग में, कैवल्य वाले वहीं जाते होंगे। कैवल्य का मतलब अकेलापन, आत्मसंतुष्ट, कैवल्य सुख, इस जीवन में पीड़ा से रहित, हरदम हरदम पीड़ा रहित, कोई पीड़ा नहीं, महा आनंद, ये बिना पूरा मरे नहीं होगा, दूसरा रास्ता नहीं, पूरा मर जाओ तब होगा। इसमें कोई मरने को तैयार है? वेद में भी आता है ब्रह्मचर्य प्रसंग में, अरे लोगों मैं आप लोगों में से एक आदमी मांगता हूँ जो मरने को तैयार हो, वो मुझे दे दो। गुरु कहता है जो मेरे पास आया वो तो मर गया,
तो कोई मरने को तैयार हो तो मेरे पास आ जाए, वेद आप पढ़िए, वेद क्या कहते हैं, मैं सब सामग्री इकट्ठी हो गई है। वैसे आप वेद पढ़ेंगे जो टीका सहित वेद मिलते हैं उसमें उतना आनंद नहीं आएगा, उबिया जाएंगे। लेकिन मैंने उसको एक मक्खन के रूप में रख दिया और प्रामाणिक है, नंबर मंत्र सब दिया है। मूल वेद से कोई समर्थ वाला हो तो मिला सकता है। और ये भी मैं आपको बताऊं, चाहे संस्कृत या पाली या हिंदी जिसका भी मैंने भाष्य किया, ईमानदारी का बर्ताव किया, सचौटी से अर्थ किया, कहीं छल कपट नहीं, जानबूझ करके कहीं ऐसा नहीं किया। अब अनजान में कहीं हो अर्थ सही ना हो तो अलग बात है, वो भी कोई राय दे तो मानूंगा। इसलिए लोग मेरी पुस्तकों पर विश्वास करते हैं, दूसरे मत वाले भी विश्वास करते हैं। वेद जब मैं लिख रहा था तो कई जगह बहुत जटिलता तो उसमें है ही है, तो बैठा रह जाता था। अनेक भाष, पुराने ग्रंथ, संस्कृत कोश, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, निरुक्त यास्क मुनि का, मैकडॉनल्ड का वैदिक मैथोलॉजी, ये सब में छानता था कि कहीं इसका सूत्र कुछ है। छान विचार करके पक्का करके तब अर्थ लिखता था। तो वेद क्या कहते हैं अगर आप पढ़ें तो चारों वेदों का आनंद एक साथ मिल जाएगा। तो अथर्व वेद में ब्रह्मचर्य सूक्त ही एक है, विवाह सूक्त है तो ब्रह्मचर्य सूक्त भी है। तो गुरु कहता है भाई आप लोगों से मैं एक व्यक्ति मांगता हूँ जो मरने को तैयार हो वो मुझे दे दो। तो मरने को तैयार होने का मतलब क्या है, पुराना संस्कार सब धो दो। जब तक आप पिता बनोगे, गुरु बनोगे, बड़े बनोगे, तब तक सुखी नहीं रहोगे, पक्का समझ लो। हम गुरु नहीं, हम पिता नहीं, हम बड़े नहीं, हम एक साधक है, पूरा मर जाना है। कबीर साहब की एक कहानी याद आई, कबीर साहब एक शिष्य के साथ चल रहे थे, थक गए थे। एक जगह सरकारी बंगला था, उसमें सरकारी अफसर टिकते थे, पहले भी ऐसा रहा, आज ही डाक बंगला नहीं है, पहले भी था। चपरासी बाग में सो रहा था, दोनों थके थे। कबीर साहब ने कहा कि जाओ एक कमरे में तुम सो जाओ, एक कमरे में मैं, लेकिन ये ध्यान रखना कुछ बनना नहीं। गए सो गए, कुछ देर के बाद चपरासी उठा, देखा दो आदमी सो रहे हैं दो कमरे में। कबीर साहब पास गया, कौन हो तुम? तो साहब कौन मना के उठे, कुछ नहीं बोले कि यहाँ तुम्हारी क्या जरूरत है, ये राजे महाराजाओं की चीज है, साधु पकड़ वो तो कहीं रह लेना चाहिए। कबीर साहब चुपचाप बाहर चले, कुछ नहीं कहे। जब वो चेले के पास गए, जगाए कौन हो तुम, ये तुम देखते रहे मैं साधु हूँ, तो डांटा जोर से, साधु बने बैठे हो। तो आया तो साहब से कहा कि साहब उसने हमें डांटा, कहे तुम कुछ बने हो गए, कहे मैं कुछ नहीं बना, तो कैसे बात हुई तो बताए, तो कहे तुम साधु बने तो डांटे गए, मैं तो कुछ नहीं बना, वो कुछ कहा तो मैं चुपचाप चला है बस। ये कहानी है, घटना घटी कि नहीं पता नहीं, लेकिन बनोगे तब तक सुखी नहीं रहोगे, और बनना कुल झूठ है। देह नहीं है क्या आपका है? ये देह रहेगी क्या? ये देह मेरी है? देह मेरी नहीं, देह रहने वाली नहीं। लोग मिलते हैं, सज्जन मिलते हैं, देवियां मिलती हैं, जिनका प्रीकवियोग हो गया है, भावुक हो जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक बहुत समझदार देवी थी, बचपन की रही होगी, अनेक बार मिलती है। उसका पति मर गया था, पहुंचा मिली, बातचीत होने लगी, फिर याद हुई तो थोड़ा गंभीर होने लगी,
मैंने कहा बिल्कुल गंभीर मत हो, अगर रोने से वो लौट आए तो हम सब मिलकर रोवा लें, कोई लौटने वाला नहीं, दृढ़ रहो। वो तुरंत रुक गई, बराबर मिलती रहती, उधर जाता हूँ जब। लोग कहते हैं समझ में तो आता है लेकिन मन नहीं मानता, जानने में तो आता है कोई लौटेगा नहीं, रोना बेकार है, लेकिन मन नहीं मानता। क्यों नहीं मन मानता है? साधना नहीं की गई, उस दशा में रहा नहीं गया, ज्ञान काम करेगा नहीं, रहनी काम करेगी। ज्ञान की बात की भावना मन में करो। कहावत आप जानते हैं कि भंवरा कीड़ों को ला करके अपने बिल में रख लेता है और सामने बैठ कर घेर लेता है और अपनी आवाज़ सुनाता है भंवरा, और वो कीड़ा उसी को देखता रहता है, उसी कीड़ा को भंवरे को, और उसी की आवाज़ सुनता रहता है, और वो सुनते 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 भंवरा हो जाता है। ये कहानी है। बिहार में एक सज्जन तो हमें पत्र दिए यहाँ कि आप कहानी मात्र मानते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरा। तो जब कटिहार गया तो मिलने आए और बड़े धीरज रखे, अनेक लोग बैठे थे पूछने वाले मेरे निवास पर। जब सबका समाधान हुआ तब उन्होंने कहा महाराज मैं वही हूँ जो पत्र दिया था। मैंने कहा आप अनुभव तो मेरा अपना अनुभव मुझे कैसे अनुभव कराएंगे। लेकिन कीड़ा कोई लावे एक कीड़ा तो अपनी आवाज़ सुनावे तो कीड़ा बदल जाए, ये अवैज्ञानिक बात है। भौंरे कीड़ों को लाते हैं खाने के लिए, काट कूट करके अंदर में डाल देते हैं, वो खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं, उन्हीं के बच्चे भौंरे के बच्चे जब बड़े होकर निकलते तो समझते वो कीड़े निकले हैं। फिर जो हो, खास बात यह है, ये कहानी चलती है कि भौंरा कीड़ों को अपनी आवाज़ सुनाता है और कीड़े उसकी आवाज़ निरंतर सुनते सुनते भौंरा हो जाते हैं। जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है वो ठीक है। बारंबार आत्माकार वृत्ति करते करते आदमी देहाभिमान से ऊपर उठ जाता है, आत्मा राम हो जाता है, क्लेश शून्य हो जाता है। आत्म भावना करनी चाहिए, देह भावना मजबूत है, आत्म भावना करो। देह की आसक्ति मजबूत है, आत्मा में आसक्ति करो। यही आसक्ति हो, श्री विशाल साहेब ने कहा इसी में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति शब्द स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में आत्मा के लिए कहा है, तो मैंने भाष में लिखा है कि आसक्ति शब्द विषयों के लिए प्रयुक्त होता है, आत्मा के लिए नहीं, इसलिए चौंकाने वाला शब्द है। किंतु स्वामी जी सही कहते हैं, आसक्ति लगाओ, आत्मा में लगाव करो तो देह का लगाव अपने आप छूट जाएगा। ये कूड़ा कचड़ा शरीर ये लगाव करने लायक है? ये काम करने की जगह है? चाम का थैला, हड्डी की झोपड़ी, उद्वेगों का घर, टट्टी पेशाब का कारखाना, दुखों से भरा हुआ, अंत में जीर्ण शीर्ण हो करके टूट फूट करके नष्ट हो जाता है, ये मेरा स्वरूप हो सकता है? मैं तो निर्मल हूँ, दिव्य हूँ। अपने मन को बारंबार आत्मा में लगाओ, देहाभिमान से हटाओ, संसार की नश्वरता को देखो। किसको लेकर के दुखी हो? आप स्वयं नहीं रहोगे इस शरीर में, दूसरे के शरीर की वियोग से पीड़ित हो, अपने शरीर को बचा लोगे? अभी पता नहीं कौन कौन मेरे सामने जाएगा, प्यारे से प्यारे के वियोग के दिन को देखने के लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। इसकी चर्चा मुश्किल है, सुनने वाले मुश्किल हैं, इसलिए सुख शांति भी मुश्किल है। धर्म की चर्चा में तो भगवान की महिमा गाई जाती, अमुक भगवान इतने थे, इतने सुंदर थे, ऐसी आंखें थी, ऐसे गाल थे, ऐसा सीना था, हाथ पैर ऐसे ऐसे, उसी बड़ाई करते करते छक जाते हैं, फिर उनकी लीला
नाम रूप लीला धाम, यही चार की कथा। गीता सार पढ़ करके एक युवक ने मुझे पत्र लिखा कटनी से कि आपने तो गीता की टीका बड़ी सुंदर की है लेकिन भूमिका अच्छी नहीं लिखी, उसमें आपने आलोचना कर दी है, कृष्ण भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन ही नहीं किया है, टीका आपकी बड़ी सुंदर है, रजिस्ट्री पत्र भेजा था। वो कहा कि आप भी रजिस्ट्री पत्र भेजिए और जरूर लिखिए। तो मैंने लिखा नाम रूप लीला धाम, वो समझते थे बहुत बड़ी बात है, इससे ऊंची और बात क्या होगी। नाम रूप लीला धाम की चर्चा वेदों में, शास्त्रों में, वेदों में कहीं नहीं है। ये पुराणों की लीला है, महाकाव्यों की लीला है, बीच के भक्त कवियों की लीला है, भगवान की लीला नहीं है। राम ने लीला नहीं की, कृष्ण ने लीला नहीं की, वे जीवन भर आग के पथ पर चलते रहे, कठिनाइयों को झेलते रहे, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है। श्री कृष्ण महाराज आदिवासियों तक के रक्षक, पशुओं के रक्षक, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के विरोधी, ये ऋग्वेद में आप आठवें मंडल में पढ़ सकते हैं, जिसका प्रभाव पुराणों में भी कम नहीं है, श्रीमद् भागवत तक में वो यज्ञ की आलोचना करते, गीता में यामिमाम पुष्पदाम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादृता पार्थनानद स्थितवादिनः। ये दिखाओ स्वभावयुक्त वाणी बोलने वाले वेदवादी, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, अत्यंत तार्किक। राम जीवन भर कठिनाइयों से झेलते रहे, वनवास सुबह दिया गया, शाम को बताया गया राजगद्दी, सुबह दिया गया वनवास, वशिष्ठ के पास तक नहीं गए कि महाराज ये क्यों ऐसा हो गया, जरा कुछ देखिए, मेरा ग्रह लगन मुहूर्त देखिए, जरा हाथ की रेखा देख लीजिए, कोई यज्ञ बैठा दीजिए, ये दुख दूर हो जाए। अभी एक पंडित मुझे मिला था, मिला क्या, यहीं आया था, अभी कुछ ही दिन हुआ है, 5-7 दिन 8 दिन पीड़ित था वो। मैंने कहा क्यों पीड़ित, कहे महाराज एक पंडित ने एक को बताया कि मौत की बात है, महामृत्युंजय जप करवा लो नहीं तो बचोगे नहीं। तो महाराज उसका एस्टिमेट बना 20,000 खर्च हुआ, 20 या 22,000। उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो 5 ब्राह्मणों को और बुलाया और किया। अब वो कहता है महाराज ये कटा कि नहीं कटा, और मैं सोचता हूँ कि महामृत्युंजय की जाप वो खुद करेगा तो कटेगा, उसके तरफ से मैं किया हूँ तो कैसे कटेगा। अब वो 20,000 खर्च कर चुका है, बहुत पीड़ित है, और इतना धन वाला वो नहीं था। तो महाराज मेरे मन में बड़ी शंका है, मैं बेचैन हूँ। मैंने कहा महामृत्युंजय झूठ, उसके ऊपर मौत थी ये झूठ, उसके जब से वो कटे गए झूठ, ये सब ढकोसला, खाने का तरीका और कुछ नहीं। वो गंभीर हो गया, कहे साहब तो अब क्या करूँ। हम कहे अब क्या करूँ, कहे उस पंडित को मैं कैसे समझाऊँ जिसने उसको ऐसा कहा है। मैंने कहा उसको नहीं समझा पाओगे, अपना तुम ऐसे जालसाजी के काम से बचो, कोई विवाह करवाना चाहे कर दो, जो मेहनताना दे ले लो, मृत संस्कार भी कराते हैं वो भी कर दो, जो मेहनताना दे ले लो, कर्मकांड करते हो कर लो, लेकिन ये धोखापट्टी काम ये न करो, तब सुखी रहोगे नहीं बेचैन रहोगे, बहुत गलत काम हुआ है। मैंने कहा वो ये बात नहीं कि पंडित बिल्कुल वो धूर्त किया हो, वो स्वयं भटका है बेचारा, किताबों में लिखा है, लिखा है तो इसे बता दिया है, वो स्वयं भटका है। कितने पंडित के लड़के ऐसे होते हैं, मूल ग्रंथ पे पढ़ गए, 27 में पढ़ गए, तो पंडित लोग 27 पूजा करवाते, मैं 27 पूजा देखा हूँ, एक घड़ा में 27 टोटी बनाई जाती है, तेल भर करके उसको घुमाया जाता है, जब पूजा होती है
27 कुआं का पानी, 27 जंगल की लकड़ी, वो 27 27, फिर 27 ब्राह्मण का भोज, बहुत 27 है उसमें। और पंडित कहते हैं कि बच्चे की आवाज़ पिता न सुने, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देख मुँह तो देखे ना, आवाज़ भी न सुने। ये नहीं कहता माता न सुने, जानता है पंडित माता कहाँ जाएगी, इसलिए बड़ा चतुर है। जिसने पैदा किया है वो तो पापी नहीं है, जो 9 महीने गर्भ में रखा है अभागा को, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, पिता को होगा। तो ये सब इतना जाल है कि इसमें हिंदू समाज पीड़ित है। इतना जाल मुसलमान ईसाइयों में नहीं है, अपने ढंग का उनका भी है, कम नहीं है, लेकिन इतना कर्मकांड वाला नहीं है। ये सबसे जगने की जरूरत है। इसमें तो प्रबुद्ध ब्राह्मण भी कितने बहुत क्षुब्ध हैं इन कर्मों से। यही जमुना पार एक ब्राह्मण का ही निधन हो गया, एक ही लड़का विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो जब उसका पूजा कराने पंडित आए तो एक दूसरा ब्राह्मण बैठा था, वो विचारक है। अब वो जो जाल फहरा रहा था दान के लिए, खूब दान खींच रहा था, अंत में कहा कि यमराज का वाहन भैंसा होता है, उसका दान किए बिना अपूर है। तो जो दूसरा ब्राह्मण बैठा था उत्साह नहीं पाया, वो बरस पड़ा, कहा इसका पिता मर गया, ऐसे अनाथ हो गया है, इसको सहयोग करना चाहिए, आप लोग लूट रहे हैं, बहुत कहा। फिर वो ठंडा हो गया। तो आदमी स्वयं भटका है और साथ साथ लोभ है, ये सब पूरा प्रपंच है। और प्रपंच में समाज उलझा, जागने की जरूरत है। मैंने उस पंडित से कहा कि जो मर गया है उसके नाम से दान करने पर उसको 1 कौड़ी मिलने वाली नहीं है, जो दान करता है उसको पुण्य है, लेकिन पुण्य तब है जब स्वतंत्रता से करे, बांध करके करवाया तो कोई पुण्य नहीं। अब बेचारा बांध के करवा रहा है, बांध करके भोज करवा रहा है, कर रहा है बंद करके, अब कौन पुण्य है। अपनी श्रद्धा से, उत्साह से पवित्र आत्माओं को, विद्वानों को, गरीबों को, दुखियों को कोई दे कुछ, तब वो पुण्य है। अब बांध करके ले रहे हो, बांध के मारे कृष्ण सह, जब बांध के मारा जाएगा तो क्या करेगा, भाग तो सकेगा नहीं। तो ये प्रपंच बहुत है, इनमें जागने की जरूरत है। मैं मूल स्थान पर आऊं, स्वभाव सुधार की बड़ी जरूरत है। स्वभाव न सुधारोगे ज्ञान अलगे रहेगा, पढ़ना कुछ काम करेगा नहीं। स्वभाव सब अपना अपना सुधारो। स्वभाव में जो जो खामियां जिनके हैं उस पर ज्यादा जोर दें। ये क्रोध है तो रोज ग्लान करो और संकल्प करो, नींद खुले तो 5 मिनट तक संकल्प करो कि आज दिन भर क्रोध नहीं करूंगा, संभालूंगा। और रात में सोने चलो तो दिन भर का लेखा जोखा करो, क्रोध आया कि नहीं, आया तो ग्लान करो 5 मिनट जगने के बाद, 5 मिनट सोने के पहले, और रोज ऐसा करो, देखोगे अंतर होगा। काम लोलुपता को देखो क्या तरह है उसमें, घृणा के सिवा। गृहस्थी में विवाह का फल है 1-2 संतान हो जाए और हो गई बस खत्म, और नहीं हुई तो भी छोड़ झंझट, नहीं हुई अच्छा हुआ, बहुत झंझट में नहीं पड़ोगे। साधना से रहो, कूड़ा कचड़ा में पड़ना, उद्वेगित करना, मलिन बनाना क्या फायदा है। सोचो विचारो, उस आसक्ति को घटाओ। क्रोध चित्त को जलाता है, काम पतित करता है। लोभ से आदमी विभ्रम होकर के, विभ्रमित होकर के जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करता है। ये तो वेद में भी लिखा है कि लोभ के बस हो करके पंडित जिनके यहाँ यज्ञ नहीं करना चाहिए वहाँ भी कर लेता है, और जैसा नहीं करना चाहिए वैसा भी कर लेता है, क्योंकि दक्षिणा मिलती है। तो उस युग में भी ये बात थी,
कुछ नया नहीं है, पहले भी था। लोभ के वशीभूत होकर पंडित खाली दोष है, महात्मक नहीं है। एक एक महात्मा नामधारी हैं, अद्भुत अद्भुत हैं। और जिनको आप देखते हैं बहुत टीवियों में, उनका तो और दशा आप जानते ही हैं। सब टीवी में जो आते हैं सब कैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत हैं कि क्या कहा जाए। तो पंडित महात्मा मौलवी पादरी ज्ञानी जी कोई एक वर्ग की बात नहीं है। जहाँ अविवेक है, लोभ है, वहीं सब दुराचार शुरू होगा। अपनी मेहनत की कमाई में जो जुड़े हटे सुखी रहो, किसी से छल छद पूर्वक कुछ न लो। प्रेम पूर्वक कोई दिया है, स्वीकारना चाहो स्वीकारो, लेकिन धोखा दे करके दबा करके किसी से कुछ न लो। अहंकार तो सबसे बड़ा दुष्ट है, अहंकार से सब पिस रहे हैं। अब अहंकार झूठी बात, किस चीज़ का अहंकार? कुछ भी रहने वाला किसी का नहीं है, किस चीज़ का अहंकार? मनुष्य का चित्त प्रतिबंधक संस्कारों में उलझ उलझ कर निरंतर उसी को सोच सोच करके पीड़ित रहता है। प्रतिबंधक संस्कार जो रोड़ा डालते हैं, दुख पैदा करते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया जो अनुकूल नहीं है, अब दिमाग में वही हरदम खड़ा है, हरदम बेचैनी। ये केवल अपनी कमजोरी है। जैसा आदर आपका करना चाहिए वैसा नहीं किया, इसी में खटक। इसीलिए कहा जाता है पूरा मरना पड़ेगा, पूरा मरे बिना कोई आनंद नहीं पाएगा। मरने के पहले मर लो जिनसे बन सके, आंशिक मरो, कुछ मरो, जितना मरोगे सुखी रहोगे। पूरा मर जाओ बस, बेड़ा पार। पूरा मर जाने का मतलब अहंकार पूरा मार लेना, तब जानिया जब जीवत मुआ। ये कबीर साहब की पंक्ति है। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। शाम मुर्दा पर एक किलो मिट्टी डालो, एक मन डालो, बराबर है। इस प्रकार जब कोई बन जाएगा, कितना घात प्रतिघात, सब में निर्विकार, कुछ है ही नहीं, वो शांति पाएगा। ज्ञान बघारो, अहंकार बघारो, हम इतने पूज्य, हम श्रेष्ठ, हमारे लिए ऐसी इंसल्टी, हमारे लिए सब व्यवहार, हमारे लिए सब वचन, सदैव जलते रहोगे, कभी मुक्ति नहीं होगी। जो मुक्त हुए हैं मर के मुक्त हुए हैं। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना बीज मिट्टी में मिल करके अपने को सड़ा देता है, तब उसमें अंकुर निकलता है, तब फिर फूल फल सब आते हैं। बचाए रखे न सड़ावे, बस वैसे रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। बिना अपने को मारे कोई शांति नहीं पाएगा। यह काम करो। साथी बराती किसी के रहे नहीं हैं और किसी के रहने वाले नहीं, आए हैं ते जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। कोई रहने वाला नहीं, लेकिन इतने में बड़ा फर्क है, सिंहासन पर चढ़ के जाना और जंजीर में बंध के जाना। सिंहासन पर चढ़ के जाना यही है, परमानंद में सदैव रहना। जिस बात को लेके आज दुखी हैं, ये बात कुछ नहीं है। 20 वर्ष के पहले आपके सामने इसी अप्रिय घटना घटी होगी, वो है आज। मेरे गुरुजी का समाज था और इतने दिन बीता, कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रमण और काम और घटनाएं होती रहीं। उस समय सब वो सब सच लगती थी, आज कुछ नहीं। न वे लोग हैं न वो घटनाएं, और जहाँ जहाँ वो रहे तहाँ तहाँ जाऊँ देखो तो कुछ मिलेगा नहीं।
श्री विशाल साहब का समाज देखा, जिस समाज में आज कोई नहीं, और पुराने जमाने के अव्वैश्वर्य नहीं, जहाँ जहाँ साहब रहते थे, अब वहाँ जाता हूँ तो उदृश्य नहीं। रसूलपुर में पहली बार 74 में गया था, सन 1974 में, जब पंचग्रंथी की टीका लिख करके कापियाँ ले गया था श्री प्रेम साहब को दिखाने के लिए। उस समय श्री विशाल साहब की छावनी वहाँ पड़ी थी, विशाल छावनी, खूब चारों तरफ जगर मगर। अभी कुछ वर्ष पूर्व गया तो कुटिया की एक गुमटी भर है और कुछ नहीं, बाग है। अब वो ऐश्वर्य कहाँ है, वो महापुरुष कहाँ है, वो चीज़ें कहाँ हैं, कुछ नहीं। जहाँ सदगुरु विशाल देव की समाधि है, मूजापुर बाराबंकी जिले में, 6-6 महीना वहाँ रहते थे, अनेक बार रहे। अब वहाँ जाओ, वो चीज़ कुछ नहीं है, दूसरे ढंग से बन गया है, और संत महात्मा रह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हम चाहें कहीं नहीं है। कल की चीज़ आज नहीं है। देखो ये चल रहा है शिविर, 12 को ख़त्म हो जाएगा, 12 को आप लोग चले जाएंगे, यहाँ वाले रहेंगे, वो अपने ढंग से फिर चलेंगे। सारी घटनाओं का सार रहता है, उसी पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिबंधक ना हो, दुख मोचक हो, संस्कार हमारे जो हो दुख मोचक हो, प्रतिबंधक नहीं, पीड़ा देने वाले नहीं। न घटनाएं रहेंगी, न व्यक्ति रहेंगे, न चीज़ें रहेंगी, ना अपना शरीर रहेगा, लेकिन अगर इन सब के बीच में आपने गलत संस्कार ग्रहण किए, वो अंतरात्मा को आज और आगे निरंतर पीड़ित करते रहेंगे। और अच्छे किए तो आज ही आनंद कंद, सदा आनंद कंद, कुछ रहता नहीं। संस्कार कुछ दिन के लिए रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो धाराएं सूख गई हैं उनको निरर्थक मत समझना, जो कलियां खिले बिना मुरझा के गिर गई हैं निरर्थक मत समझना। अच्छा काव्य उनका, उसमें साहस यही दिए हैं कि आप जो करते हैं वो निरर्थक नहीं जाता है, इसलिए सावधान रहे गलत न होने पाए। अगर आपका मन एक क्षण के लिए क्षुब्ध हुआ है तो आपकी चादर में उतना कालिख हो गया, उसको कोई काट नहीं पाएगा। प्रसन्न है तो सफेदी है, ये कमाई अपनी व्यक्तिगत खास है, बाहर की कमाई की भी ज़रूरत है, लेकिन ये बड़ा महत्व की नहीं है। बाहर की कमाई इतनी होनी चाहिए पेट भर जाए, तन ढक जाए, रहने की जगह मिल जाए। असली कमाई करो, असली कमाई पर ध्यान ही नहीं। नकली कमाई में इतने डटे हैं लोग कि इतना हो गया तब इतना हो जाए, तब इतना हो जाए, तब इतना हो जाए, कितना हो जाए, खाओगे कितना, लेकिन इतना हो जाए कि पता नहीं कितना। अब खा करके जो करना चाहिए उस पर कुछ ध्यान नहीं। कमाते हैं क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। ये कोई जीवन है? जो खास काम है जी करके करने का, वह है अपने मन को माँचना, स्वभाव को सुधारना। ज्ञान हो जाने के बाद जो शेष कर्तव्य रहता है वो स्वभाव सुधार है, और स्वभाव न सुधारा गया ज्ञान काम करेगा नहीं। बूढ़ा जाओगे, चले जाओगे, ऐसे रह जाओगे, सुधार लोगे सुखी हो जाओगे। मैंने कहा कि स्वभाव कहा जाता है लेकिन निज का ये स्वभाव मन का नहीं है, खराब संस्कार है। मैंने उदाहरण दिया कि आग का स्वभाव गर्म, वो कभी मिट नहीं सकता है। आग में गर्मी रहेगी ही, और गर्मी नहीं तो आग का अस्तित्व तो नहीं है। ये असली स्वभाव है, ऐसा स्वभाव आपके मन का नहीं है, ये तो दाग है।
अनेक जन्मों के संस्कार हैं, आपने बनाया है, उसको खुर्च करके मिटा सकते हैं, तभी मोक्ष संभव है। नहीं तो कैसे संभव होता? रत्नाकर जैसे डाकू और हत्यारे महर्षि वाल्मीकि हुए, अंगुलिमाल महाहत्यारा, तथागत बुद्ध का भिक्षु साधु हुआ, अनेक ऐसे होते हैं, आज भी होते हैं। दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। अपने को सुधारो, अपने स्वभाव को सुधारो, मक्खन बनाओ, आपके द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, किसी से त्रुटि हो जाए उस पर हमला न करो, सहारे से रास्ता दिखा दो, अगर दिखाने लायक है तो, नहीं मानने वाला है तो चुप हो जाओ, हमला किसी पर मत करो, अपने को संभालो। एक एक सोच, एक एक वाणी, एक एक क्रिया के दाग लगते हैं अपने मन की चादर में, और मरी मरी धोए दाग न छुटी हैं। एक बार दाग पड़ जाने पर फिर सहज नहीं है धो देना, भोगते रहो। तम्बाकू आपने खाना नहीं सीखा था, उससे मतलब ही नहीं था, लेकिन खाने लगे कुसंग में पड़ करके, अब छोड़ना बहुत मुश्किल है। उसमें लगना मुश्किल नहीं था, छोड़ना मुश्किल हो गया। बुराइयां जो मन में आ जाती हैं छोड़ना मुश्किल, अस्थूल छोड़ दो तो मन का विकार छोड़ना मुश्किल। इसलिए बहुत संवेदनशील ये जीवन है, और उसमें मुख्य मुद्दा मन है, अत्यंत संवेदनशील, उसको हरदम संभालो। व्यवहार ठीक है, लेकिन व्यवहार मान करके भी अपने स्वभाव को मत खराब करो। आप सबको बदल नहीं सकते हो, अपने को संभालो। जिनको बनना होगा बनेंगे, बिगड़ना होगा बिगड़ेंगे, क्या करोगे? अपने को ना बिगाड़ो। किसी पर आपका अधिकार नहीं है, राय भर दे सकते हो, लड़का ऐसा है, पत्नी वैसी है, भाई वैसा है, शिष्य वैसा है, लुलचते हैं लोग। अपना कैसे हो, अपना मीठ रहो, पूरा का पूरा अमृत। और उससे जिनको प्रेरणा लेना होगा लेंगे, राय देने लायक जब हो राय दे दो, नहीं राय सुनने वाले हैं चुप रहो। अपने को सोधो, अपने को निरंतर बनाओ। जिसने अपने कायागर की लड़ाई पर विजय पाई, जो अपने अहंकार ममकार को मार लिया, वो आनंद कंद हो गया, शीतल हो गया। आपका स्वरूप ही आनंद कंद है, आप में दुख है ही नहीं। दुख तो खरीद खरीद करके सब रखते हैं अपने पास, और वो खरीदने का दाम अहंकार है। अहंकार दाम चुका चुका करके सब दुख बटोरा जाता है, और इस अहंकार शत्रु को मारे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। अपने अपने अहंकार को मारो, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लख दया जो दीन जानी अपनाओ। श्री रामराज साहब पंचग्रंथी में कहते हैं, जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, केवल अहंकार से अपने को छुड़ा लेना है। अहंकार सांप, पांच मुख वाला, आत्म तत्व को दबा करके रखा है। जो विवेक ज्ञान के की तेज धार से इसके पांचों सिरों को काट करके इसको मार देता है, वो मुक्ति का आनंद पाता है। ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है। साधना का पक्ष बहुत सुंदर सुंदर उसमें है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तेसे बाचे संतजन केवल शांति आधार। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। अहंकार में सब चल रहे तो हंता मां सब ही पड़े। सदगुरु कहते सब अहंकार में पड़े, हंता देखे साध। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो,
जो अपने अहंकार को देखे और अपने अहंकार को कुचलता रहे वो साधु, जो अपने अहंकार को मारता रहेगा उसको ताप नहीं लगेगा, उसको पीड़ा नहीं होगी। बच्चे ने कह दिया, बच्चा स्वतंत्र है, बच्चे ने कह दिया क्या बुरा किया, शिष्य ने कह दिया शिष्य स्वतंत्र है, किसी ने भी कह दिया हो कोई हर्ज नहीं। हमें सहना चाहिए, मन मारना चाहिए अपना, अपने अहंकार को मारो तब शीतलता मिलेगी, कोई और चारा नहीं, पंचायत नहीं चारा। आपके बच्चे ने कुछ कह दिया पंचायत करोगे उसमें कोई विजय नहीं होगी, शिष्य ने कह दिया पंचायत करने से कोई विजय नहीं होगी, छोटे भाई ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, अमुक ने कह दिया, पंचायत से कहीं हल होने वाला है? सरल तरीका है, अपना मन मार लो, झुक जाओ, छोटे हो जाओ, सबसे छोटा मैं हूं। इस प्रकार अपने को माने बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है, एक ही यही रास्ता है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निस्वरूप लगदया जो देन जानी अपनाओ, दूसरे जीवों को भी निस्वरूप समझकर कि मेरे समान सजात भाई ये भी हैं उनको भी राय दो। संत सदैव दया किए, दूसरे को रास्ता दिखाएं, आप भी जो बन सके दूसरे की सेवा कर दो, लेकिन स्वयं अहंकार विहीन बनो। अपने को मारने के बाद ही अहंकार मारना, तब जानिया जब जीवत मुआ, कबीर साहब की पंक्ति है, जीवन तो तब जाना जब जीते जीते मर गया, ये अनुभव का विषय है, फिर कुछ लगता ही नहीं, पीड़ा ही नहीं होती, संताप ही नहीं होता है, शीतल शीतल अभेद्य किला में ऐसा महापुरुष निरंतर जीता है। महापुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला नहीं, जो ऐसा हो जाए वही महापुरुष, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। संतों की संगत करो, स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, अपने अपने स्वभाव को सुधारो, अपने अहंकार को मारो, इसी जीवन में पूरा शीतल बनो, पूरा आनंद कंद हो जाओ, ये जीवन का फल है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरा